पंडित जी जेलो। मारे पोती के नामकरण की पूजा में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और भी कुछ चाहे तो बता दे। इतना इलाज कराया पर फर्क ना पड़ा सूरज में, और देखो बेटी ने आते ही बाप को पैरों पर खड़ा कर दिया। रे बड़े भागो वाली है सूरज संध्या की बेटी। सही कह रही हो भाभी साहब, मानो जैसे लक्ष्मी का अवतार। आखिर पड़ पोती किसकी है? अपनी बड़ी दादी पर गई है। पर संतोष भाभी साहब, आपने अपनी पोती को चेहरों को नहीं दिखाया अभी तक, छुपा के रखनी है कि अपनी लाडली पोती? अरे ना ना, थोड़ा सबर करो, अब आ आती होगी मेरी लाडेसर पोती। लियो जी साए, आगे संतोष की पोती। मम्मा पापा ने कितना बढ़िया नाम रखा है, आज सबको पता चलेगा। पापा मुझे दो ना बहना को, मैं सबको दिखाता हूँ। नहीं नहीं बेट, तू ना संभाल ना पावेगो। दादी मैं संभाल लूंगा, पापा ने बताया मुझे कैसे संभालना। ना ना बेट, जिद मना कर, तू छोटा है अब गुड़िया ने ना तू संभाल ना सकेगो। अब फिर देख थारे कपड़े में जे लागियो है ना, वो गुड़िया ने चुप जावे को, अब आ ना उठा सके तू। ला सूरज मारे को दे। सूरज संध्या बिनी तुम दोनों ना पंडित जी के पास बैठो, पूजा की तैयारी करनी है। जी चले मिले गुड़ियों को देखते आ जाओ। नमस्ते पंडित जी। सब लोग मारी पोती से मिलनो चाहो हो ना, ले देखो मारी लाडली पोती। अरे संतूरी की पोती बहुत ही सोनी है संतूरी, एकदम तेरे पर गई है। इतना ऐसा बड़ा बड़ा की फट लेकर आई है, कहीं पुराना अपने बच्चे का तो ना चिपका रही। सूरज जी मेरा तोहफा का है। कौन सा तोहफा? कैसा तोहफा? कैसा तोहफा? अरे आपने मुझसे गुड़िया मांगी, मैंने आपको गुड़िया ही दी ना, तो तोहफा नहीं बनता फिर मेरा? ये क्या बात हुई सूरज जी, सारा प्यार गुड़िया के ही ना, गुड़िया की मम्मी के लिए कुछ भी नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, वो क्या ना कि मैं आपका आपका तोहफा लाना भूल गया। नहीं नहीं दे देना आप मुझे। ये दाई साहब ने छोरी को ना लेकर आई, मतलब नया नया पैदा हुआ और छोड़ा है घर पे। आज हमारी पोती का ना नामकरण है, बहुत ही प्यारा सा नाम सोच रखा है मैंने, जो हमारे को बहुत ही पसंद है। आज अपनी गुड़िया का नामकरण है, तो कुछ सोचा आपने क्या नाम रखना है उसका? सूर्या। ये कैसा रहेगा सूरज जी, हम दोनों का नाम मिलकर? मारी पोती का नाम है दादी, बहना का नाम मम्मा पापा ने सोच भी लिया। बहुत अच्छा नाम है, बहना का नाम वही रखेंगे। अरे वेद बाबू ऐसा कुछ नहीं है। वेद क्या बोल रहे हो सबके सामने? बेटा वो नाम गुड़िया के लिए सही नहीं है, दादी ने गुड़िया के लिए और भी अच्छा नाम सोचा है। हाँ वही रखेंगे। पर मम्मा मैंने गलत क्या बोला? दादी ने हम सब बच्चों का नाम रखा, मिश्री दीदी, परी दीदी, गोलू भैया और मेरा भी। आपको भी एक बार मौका मिलना चाहिए ना, आप उसके मम्मी पापा हो ना। देखो अरे संतोष की जुबान तो पत्थर की लकीर होया करती थी घर में। सूरज और सूरज का बाबू साहब कोई की हिम्मत को नहीं थी संतोष की बात काटने की, लेकिन यो काल को छोड़ो टिंगरो सो कि संतोष की बात काट दियो। लागे है कि नई पीढ़ी में अब संतोष तेरी चाल को नहीं है, आने वाली पीढ़ी का लक्षण पहले से दिख रहा आठे। दाई साहब को पता वेद
चुप हो जाओ, आप कुछ नहीं बोलोगे तो। पर मम्मा मैंने गलत क्या बोला? हमारे घर में सिर्फ दादी की ही बात क्यों मानी जाती है? यहाँ सब दादी से डरते हैं। मम्मा आप ही तो बताया था अपने मन में किसी बात के लिए डर नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? इसे जिद क्यों कर रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? वेट, एक मिनट सुन जी। वेट, तारी मम्मी एकदम सही कह रही है कि अपने मन में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वैसे भी डरना किस बात का? अच्छा एक काम कर, मुझे एक बात बता। जब चारों तरफ अंधेरा होता है, हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम क्या ढूंढते हैं? टॉर्च। टॉर्च की मदद से हम अंधेरे में भी दूर तक दिख सकते हैं, गिरते नहीं। एकदम सही कहा तुमने। ठीक इसी तरह थारी दादी भी हमारे घर की वो लाइट है जिसने हमारे इस घर परिवार को, हम सबको आगे का रास्ता दिखाया। कभी भी कैसा भी समय हो, लेकिन थारी दादी ने हमें गिरने नहीं दिया। और जब कभी भी हम गलत या सही में फर्क नहीं समझ पाए, तब थारी दादी ने हमें समझाया था। और एक बात बोलूं वेद, हम सब ना बहुत ही किस्मत वाले हैं जिनके सर पे बाबू जैसे दादी, बाबा सा जैसे दादा सा और एक मौसा का हाथ है। और एक बात वेद, थारी दादी की आज तक मैंने कोई बात नहीं डाली। वो इसलिए नहीं कि मैं थारी दादी से डरता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मतलब थारी दादी पे पूरा भरोसा है। थारी दादी ने मुझे मेरे जीवन में हर कदम पे एक सही रास्ता दिखाया जी। और मुझे नहीं, थारी मम्मा को भी, थारी मम्मा को भी थारी दादी ने जीवन के हर संघर्ष से, हर दुविधा से बाहर निकाला, उनको पास बिठा के समझाया। इसलिए आज तक थारी दादी का कोई भी फैसला गलत नहीं हुआ। वो क्या ना वेद के, अब भगवान तो हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकते ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाबो मतलब मेरी माँ को अपने ही रूप में हमारे बीच में छोड़ दिया। हाँ वेद, तुम अच्छे बच्चे हो ना, जाओ दादी को सॉरी बोलो। सॉरी दादी, मैंने आपको गलत बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहना का नाम आप ही रखिए। पापा ने बोला आप हमेशा सही होती। क्या सोचा तूने अपने पोती का नाम? भाबो, बहुत भागो वाली है आपकी पोती, दादी के हाथों ही जन्म लिया और अब दादी ही इसका नाम रखेंगी, जो आशीर्वाद के रूप में हमेशा इसके साथ रहेगा। अब जल्दी बता ना संतोष, मारी पोती को नाम कनक है। कनक, अरे वाह, कितना प्यारा नाम सोचा है बाबू ने। संतुड़ी, कनक को मतलब क्या हुआ? कनक का अर्थ हुए है सोना। मारे सूरज और संध्या भी इन्हीं के जीवन में
जो गहना बनकर के चमकेगी और साथ ही साथ पूरे राठी परिवार के आंगन में भी चमकेगी। मारी कनक, नामकरण तो हो गया, अब दादी अपनी लाडली पोती के लिए एक बढ़िया सा तोहफा देने वाली है। ओ विक्रम बेटा, वो तोहफा लेके आ। हाँ अभी लाते बाबा साहब। हाँ उधर रखा है तोहफा। अभी तोहफा बाकी है के तोहफा दे रही है संतोष? थोड़ी सी ध्यावस तो रख, बताओ। आजा 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 बेटा, ये आ गया। जे के ले आई है? एक तो बड़ो के ले आया सीडी सी साथ में। जन्म इस दुकान में हुयो और इसी दुकान में मारो सूरज अपने पैरों पर खड़ो हुयो। आज से राठी मिष्ठान भंडार, कनक मिष्ठान भंडार के नाम से जाना जाएगा। देख रहा हूं कि जब से एक खुशखबरी मिली है तुम परेशान सी हो। सब ठीक है ना? ओम, ऐसी कोई बात नहीं है। बात खुशी की है पर इस वक्त मैं बच्चा नहीं चाहती हूं। मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। बच्चा नहीं चाहती मतलब? इमली मैं समझा नहीं। ओम, मैं आपको कैसे समझाऊं? अभी अभी हमने एक नई जिंदगी शुरू की है, फिर अचानक से ये कैसे संभालूंगी ये सब? नहीं, खुशी खुशी होती है चाहे वो अचानक हो या ना हो। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। ओम, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, पर आप ही बताइए। मुझ पर अभी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, परी की, स्पर्श की, घर की, पार्लर के काम की, और ऊपर से ये एक नई जिम्मेदारी जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कैसे करूंगी मैं? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कहते हैं ना, एक और एक 11 मिलके संभालेंगे सब जिम्मेदारी। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतनी बड़ी खुशी मिली है
हम कल के बारे में सोच के आज ये खुशी क्यों गवाएं? ये हमारे प्यार की पहली निशानी, इसे महसूस करो और बाकी सब भूल जाओ। देखा मेरी गुड़िया रानी, आपकी दादी ने आपको ऐसा तोहफा दिया है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। और पता है आपको, ये जो दुकान है ना, ये खाली एक दुकान ना है, ये तो आपके मामा और पापा के प्यार की निशानी है, उनकी कर्म भूमि भी है। और पता है आपको, ऐसा तोहफा तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी दादी ही सोच सकती है। दादी ने जो तोहफा दे दिया, बेटा इस मामले में आपके पापा बहुत कंजूस हैं। अभी तक कोई तोहफा नहीं मिला आपकी मम्मा को। कोई बात नहीं, अपनी मम्मा को कह दो कि सबर का फल मीठा होता है। रे संध्या बीनड़ी, रे जल्दी नीचे आए, देख थारे से मिलने वास्ते कुण आया है। इस वक्त मैं नीचे जाती हूँ सूरज जी। सर, नमस्ते सर। नमस्कार, हाउ यू संध्या? आई एम गुड सर। वाह भाई वाह, ये नया मेहमान घर का। हाँ, तुम बहुत सुंदर है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह, कोई अपनी माँ की तरह बहादुर भी बनना। संध्या, बच्ची की जन्म की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। आपके लिए मैं छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये सर, इसकी क्या जरूरत है? अरे आप खोल के तो देखिए इसको। बोलिए। शर्मा क्यों रही है भिंदरी? देखना, साहब ने कनक के वास्ते ये गिफ्ट लाया है। देखो संध्या, जितनी भी जिम्मेदारियां थी आप निभा चुकी हैं। अब डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप उस जगह पर लौट के आए जिस जगह को आपकी बहुत जरूरत है और जो आपके लिए सही है। एकदम सही कह रहे हैं आपके सर, आप जैसे काबिल पुलिस ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत है, और अपने देश से बढ़ के कुछ नहीं है संध्या जी। हाँ संध्या बिन्नी, थारी साची कर्म भूमि ना वही है। तू कनक की चिंता मना कर, निश्चिंत होकर जा तू। संध्या जी, आपने हम सब परिवार वालों की खुशी के लिए अपनी भर्ती मतलब अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, लेकिन आज हम सब की खुशी के लिए एक बार फिर से अपनी वर्दी पहन लीजिए। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा कि तुम दोनों की जोड़ी ने प्रेम की एक अलग ही परिभाषा लिख डाली। तुमने सूरज के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को बलिदान कर दिया, और सूरज ने क्या नहीं किया, तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए क्या नहीं किया, जी तोड़ मेहनत की, कोशिश की, हर छोटे बड़े ऑफिसर से मिलता रहा,
मेहनतें करता रहा उनसे, ये सूरज की मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं खुद डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हारे लिए ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूं। We want you back, Sandhya. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।